वेलकम टू अनोखा व्यंजन। तो पहले आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो अभी आज इंडिपेंडेंस डे है, बट क्या सब कुछ बंद है, बच्चे घर में है, तो भी जूम पे उनका स्पीच वगैरह हुआ, बहुत अच्छे से बोला। और अभी आज संडे भी है, तो आज मैं कुछ स्पेशल बना रही हूँ, मशरूम बिरयानी बना रही हूँ। तो बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है और मैं सिंपल मेथड में ही बनाती हूँ। तो चलिए फटाफट बना के लेते हैं मशरूम बिरयानी। तो ये 500 ग्राम मशरूम ली हूँ, इसको अच्छे से धो ली और दो दो टुकड़े में काट ली हूँ मशरूम को। और अभी ये कुकर में आज मैं बना रही हूँ, तो कुकर गर्म करने रखती हूँ। तो इसमें पहले तेल डालेंगे, दो बड़े चम्मच तेल डाल दी उसमें, तेल को गर्म होने देती हूँ। तेल गर्म हो गया है तो इसमें पहले गरम मसाला, ये दालचीनी, बड़ी इलायची, ये चकड़ी, ये इलायची, हरी इलायची चार, और ये फूल दो तीन टुकड़े हैं, ये सब डाल दी। और जीरा थोड़ा, और ये तेज पत्ता डाल देती हूँ। थोड़ा सा उसको हल्का सा ब्राउन होने देते हैं। हो गया ये। इसमें अब दो बड़े प्याज हैं और ये हरी मिर्ची, और थोड़ा सा लहसुन और अदरक बारीक बारीक काट के, तीन चार कलियां लहसुन की काट ली हूँ और अदरक छोटा सा टुकड़ा काट के बारीक डाल रही हूँ। अब इसको प्याज को अच्छे से फ्राई होने देंगे, हल्का ब्राउन होने देंगे इसको। जब तक प्याज लाल हो रहा है, ब्राउन हो रहा है, तब तक मैं आपको दिखाती हूँ। ये बासमती राइस ली हूँ, ये ग्लास से अढ़ाई ग्लास, टू एंड हाफ ग्लास बासमती राइस ली हूँ। इसको अच्छे से धो के रख देती हूँ थोड़ा, जब तक कि हमारा मसाला वगैरह फ्राई होगा तब तक ये पानी में थोड़ा फूल जाएगा। तो प्याज ब्राउन हो गया है, अब इसमें सभी मसाले को डाल लेंगे। तो इसमें पहले अदरक लहसुन का पेस्ट डालती हूँ एक चम्मच, इसमें थोड़ा और डालूंगी, वन हाफ चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया पाउडर एक चम्मच, जीरा पाउडर आधा चम्मच, मिर्ची, लाल मिर्ची एक चम्मच डाली, हल्दी पाउडर थोड़ा सा, सबको अच्छे से मिला लूंगी। और इसमें अभी टमाटो, ये दो टमाटर है बारीक काट ली हूँ, ये भी डाल दूंगी, सबको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। इसको हल्का सा फ्राई होने देती हूँ। मसाला फ्राई हो गया है देखिए, तो अब इसमें गैस को बिल्कुल स्लो कर दूंगी और इसमें दही डालूंगी। तो ये बिल्कुल फ्रेश दही है, ये बड़े चम्मच से दो चम्मच मैं दही डाल रही हूँ। गैस को एकदम स्लो ही रखेंगे अभी, और दही को मिक्स कर लेंगे अच्छे से मसाला में, और इसको दो मिनट तक फ्राई होने देंगे। देखिए कलर कितना अच्छा आया है, बहुत ही अच्छा कलर दिख रहा है। दही अच्छे से मिक्स हो गया, फ्राई हो गया है। तो अब इसमें ये मशरूम, धोया हुआ मशरूम है, इसको दो दो टुकड़े में काट ली हूँ देखिए, और इसको अब इसमें डाल देंगे। सबको अच्छे से मिला लेंगे। अब इसको इसमें नमक डालूंगी, पहले इसमें नमक डाल देती हूँ स्वाद के अनुसार। नमक डाल दी, अब इसको फ्राई कर लेंगे थोड़ा, 5 मिनट। मशरूम अच्छे से फ्राई हो गया है, अभी इसमें ये है शाही बिरयानी मसाला, वो मार्केट में मिलता है एवरेस्ट का, वो एक चम्मच डाल रही हूँ। ये गरम मसाला है, वो आधा चम्मच डाली, अच्छे से मिक्स करूंगी इसको। और इसमें ये पुदीना का पत्ता, पुदीना और धनिया दोनों को अच्छे से, धनिया पत्ते को अच्छे से मैं ये बारीक काट ली हूँ, इसको डालेंगे। बिरयानी में अगर पुदीना पत्ता डाले तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, इसके लिए पुदीना पत्ता डालना ही चाहिए बिरयानी में। तो सबको मिक्स कर ली, फ्राई भी हो गया है अच्छे से मशरूम देखिए,
तो अब इसमें चावल डाल देंगे। चावल तो चावल डालेंगे, ये चावल है। सबको ऐसे गैस को पहले स्लो कर देती हूँ थोड़ा। चावल को पानी में ढक दी थी तो 15 मिनट तक फूल गया अच्छे से चावल। अब इसमें से डाल देती हूँ। अभी इसमें 2.5 ग्लास मैं चावल ली थी तो इसमें 3 ग्लास मैं पानी डालूंगी। पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है इससे। अब इसमें पानी डाल दूंगी। अब इसमें पानी डालेंगे तो ये ग्लास से मैं चावल ली थी तो साइड से ऐसे पानी डालूंगी। ये आधा ग्लास और डाल देती हूँ। 3.5 ग्लास पानी डाली। अभी इसके ऊपर ये है पुदीना पत्ता, पुदीना इसको डाल देती हूँ। इसके ऊपर घी डालेंगे। अभी गैस को बिल्कुल फ्लेम को हीट में कर देंगे और एक सीटी लगने देंगे। एक सीटी लगने देती हूँ तो एक सीटी हो गया है, कुकर भी ठंडा हो गया है। देखिए अब इसको खोल के लेते हैं। वाह अच्छा लग रहा है, सब मशरूम ऊपर आए हैं, देखने के लिए भी अच्छा लग रहा है। देखिए थोड़ा सा आपको निकाल के ऐसे दिखाती हूँ। एकदम फ्रेश राइस भी बिल्कुल फ्रेश हुआ है और सब मतलब अच्छे से हो गया है। तो अभी इसको हम लोग प्लेटिंग करके लेंगे। तो रेडी हो गया है हमारा मशरूम बिरयानी। इसको मैंने थोड़ा तिरंगे के जैसा, फ्लैग के जैसा डेकोरेट की है। इंडिपेंडेंस डे है इसके लिए कुछ अलग करूँ तो मैं भी फ्लैग बनाई इस पर। तो कैसा लगा आपको एक बार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट्स करना ना भूलें। जो नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें। और फिर से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑल ऑफ़ यू। बाय।